हेलो दोस्तों, गैजेट एंड टेक एडवाइस में चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन फाइनली बंद हो चुका है। कस्टमर्स काफ़ी परेशान हैं कि उनके रिलायंस में ना तो नेटवर्क आ रहा है, ना तो कहीं कॉल लग रही है, और दोस्तों वगैरह वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप अपने मोबाइल में रिलायंस के सिम पे भी आप नेटवर्क पा सकते हैं, वो भी तुरंत। और वो भी ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक ऑफिशियल रिलीज है। क्योंकि दोस्तों, मैं पहले रिलायंस में जॉब कर चुका हूँ, रिलायंस सेंटर पे मैं जॉब कर चुका हूँ, इसलिए दोस्तों ये काफ़ी पुराना तरीका है और ये ऑफिशियल है। कोई इसमें ट्रिक या कोई इलीगल चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, वीडियो ना लाइक अच्छी लगे तो दोस्तों खुल के डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर वो तरीका क्या है जिससे आप ऐसे बुरे वक्त इमरजेंसी की हालत में भी रिलायंस के सिम पे नेटवर्क पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना पहले ये होगा कि अगर आपके पास है एंड्रॉयड फ़ोन, तो पहले हम आपको एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में बता देते हैं कि आप एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे कर सकते हैं इस तरीके को। तो दोस्तों, आपको जाना होगा पहले नेटवर्क सेटिंग्स में। आपको मोबाइल नेटवर्क्स में जाकर सर्च करना होगा नेटवर्क ऑपरेटर्स। नेटवर्क ऑपरेटर्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये सर्च होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तरीका पहले से ही काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन दोस्तों असली खेल यहीं से शुरू होता है। यहीं पर काफ़ी लोग, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग यहीं पर आकर रुक जाते हैं कि वो आखिर इन इतने ढेर सारे नेटवर्क्स जो शो कर रहे हैं उनमें से आखिर कौन सा नेटवर्क चूज़ करें। वो सोचते हैं कि रिलायंस तो इसमें शो कर ही नहीं रहा है, तो यानी कि रिलायंस का नेटवर्क ही नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलायंस के काफ़ी कंपनियों के साथ कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है या उनसे मेल जोल है, तो कहीं कहीं पे जहां रिलायंस का नेटवर्क नहीं आता, तो वो काफ़ी पहले से ये पुरानी बात है कि वो और टावरों के साथ कनेक्ट होकर आपको नेटवर्क देती थी। तो दोस्तों, मैं अगर अपने इलाके की बात करूं, अपने मोहल्ले की बात करूं, तो यहाँ पर रिलायंस काफ़ी सालों से एयरसेल के साथ मिलकर हमें नेटवर्क दे रही है। यहाँ पर दूर दूर तक रिलायंस का कोई टावर नहीं है, फिर भी हम रिलायंस से एयरसेल से कनेक्ट करके काफ़ी सालों से रिलायंस का सिम यूज़ कर रहे थे। और दोस्तों, इसीलिए काफ़ी लोगों को ये दिक्कतें आई कि उनका रिलायंस का नेटवर्क गायब हो गया, या कह लीजिए कि मतलब इमरजेंसी की हालत पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई, हमने सिर्फ नेटवर्क नॉर्मली सर्च किया और एयरसेल को चूज़ किया। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके इलाके में भी वो एयरसेल से ही कनेक्ट हो। आप सारे ऑप्शंस जितने आ रहे हैं नेटवर्क सर्च करने पर, आप सब पर ट्राई कर सकते हैं, और मैं इतनी श्योर कह सकता हूँ कि वो किसी न किसी से ज़रूर कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो नोट करने वाली है। जब ये किसी और टावर से कनेक्ट हो जाए या किसी और कंपनी के टावर से के साथ शो करना शुरू हो जाए, तो दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप मैसेज नहीं भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी सालों से मुझे दिक्कतें आई हैं कि जब मैं एयरसेल के साथ कनेक्ट किए रहता हूँ तो मैसेज नहीं सेंड होते हैं। तो मुझे फाइनली दोबारा सर्च करके या ऑटोमेटिक पे लगा के रिलायंस के साथ कनेक्ट करके मैसेज भेजने पड़ते थे। दोस्तों, आप भी ऐसा ही कर सकते हैं पोर्ट के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मैसेज मंगाना है तो आपको रिलायंस के नेटवर्क का वेट करना होगा, और मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि रिलायंस आपको नेटवर्क देगा ही देगा, क्योंकि अभी रिलायंस को बंद होने में 1 महीने पूरे बाकी हैं। उससे पहले वो अपने बचे कस्टमर्स को ज़रूर ऐसा मौका देगा कि वो किसी और कंपनी में चले जाएं या पोर्ट कर लें। मतलब दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने बाद भी अगर आपको नेटवर्क रिलेटेड रिलायंस के कोई दिक्कत आ रही है या पोर्टिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों आप बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रिलायंस के रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ऑफिशियल। क्योंकि दोस्तों, मैं रिलायंस का एम्प्लॉय पहले रह चुका हूँ। बेशक आज रिलायंस बंद हो चुका है, लेकिन दोस्तों रिलायंस के बारे में अंदर की बात से लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी डिटेल्स मुझे पता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों हमारे चैनल गैजेट एंड टेक एडवाइस ज़रूर सब्सक्राइब करें।